हाई कोडर्स एंड वेलकम टू द कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट सीरीज जिसके अंदर हम जीरो से लेके कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट को कवर करने वाले हैं अब इस सीरीज के अंदर ऑब्वियसली हम अपने काफी सारे कॉन्सेप्ट को तो कवर करेंगे ही साथ के साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और बाद में जाकर हम कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो आज हमारा है चैप्टर नंबर फाइव जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं फंक्शन एंड मेथड्स के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको जाके कोई और टॉपिक भी सीखना है तो हमारी सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट सीरीज के जो टॉपिक्स हैं वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे तो किसी भी टॉपिक की वीडियो पर आप जा सकते हैं किसी भी टॉपिक के लेक्चर पर आप जा सकते हैं और उसे जाकर देख सकते हैं सो यू कैन एक्सेस ऑल द टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रॉम देयर तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 5 के साथ हाय एवरीवन तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंक्शंस के साथ फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस हमारा एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क हमें परफॉर्म करके देता है फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं हम मोदी जी की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हैं मोदी जी एंड इनको अगर कोई भी काम कराना है तो इनके पास हो सकता है कोई पर्सनल सेक्रेटरी हो तो अगर इन्हें कोई भी अपनी मीटिंग सेटअप करनी होगी तो वो काम क्या करेगा वो पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाएंगे और मीटिंग सेटअप करवा लेंगे मान लेते हैं एक हफ्ते बाद एक महीने बाद दोबारा कोई मीटिंग सेटअप करनी होगी तो हर बार क्या किया जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल करके मीटिंग को सेटअप किया जाएगा हो सकता है इनकी टीम के अंदर एक ड्राइवर भी हो अगर कभी भी गाड़ी चलानी होगी मान लेते एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो क्या करेंगे हर बार ड्राइवर को बुलाएंगे काम करवाएंगे ड्राइवर को बुलाएंगे काम करवाएंगे उसी तरीके से अगर किसी को खाना बनाना होगा तो टीम के अंदर एक होगा अगर कभी भी खाना चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में डिनर में लंच में तो हर बार क्या किया जाएगा कुक को बुलाया जाएगा खाना बनवाया जाएगा कुक को बुलाया जाएगा खाना बनवाया जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी अगर ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ कोड होता है अगर ऐसा कोई पीस हमारे पूरे प्रोग्राम का होता है जो कुछ स्पेसिफिक काम करता है उसका फिक्स मतलब है कि अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड को बुलाया जाएगा तो ये वही सेम काम हमें करके देगा तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम फंक्शन कहते हैं और ये जो हमारे फंक्शन होते हैं इन्हें हम एक बार क्रिएट करते हैं और फिर हम इन्हें कभी भी इन्वोक कर सकते हैं इन्वोक मतलब कॉल कर सकते हैं जैसे कुक है टीम के अंदर तो कुक को कॉल किया जा सकता है जब भी खाना बनवाना हो वैसे ही अगर हमारा कोड है तो कोड के अंदर एक पीस ऑफ कोड ऐसा होगा जो हमारा फंक्शन होगा और इस पीस ऑफ कोड को हम कभी भी बुला सकते हैं इन्वोक कर सकते हैं जब भी हमें वो स्पेसिफिक काम करवाना होगा एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऑलरेडी हम काफी सारे फंक्शंस को देख चुके हैं फॉर एग्जाम्पल अपने कोड में एक बार आ जाते हैं हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल है जिसको हमने अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ कनेक्ट कर रखा है तो स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है अगर मुझे हेलो प्रिंट करवाना है मैंने ये लिख दिया अगर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है लेट्स सपोज वी हैं टू अपर केस तो मैंने ये लिख दिया अगर हमारे पास कोई एरे है दो नंबर्स का तीन नंबर्स का इस तरीके से कोई एरे है और एरे के अंदर मुझे एक और एलिमेंट पुश करना है तो मैंने ये लिख दिया ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये जो यहां पे लॉग है ये टू अपर केस है ये जो पुश है ये तीनों की तीनों फंक्शन है फंक्शन यानी ऐसा पीस ऑफ कोड जो हमें वही सेम काम बार बार परफॉर्म करके देता है जहां भी मैंने कंसोल के साथ डॉट लॉग लिख दिया ये क्या करेगा हमेशा कुछ भी लॉग करवा देगा कंसोल के ऊपर जहां भी किसी भी स्ट्रिंग के साथ टू अपर केस लिख दिया टू अपर केस का फिक्स्ड काम है कि इसे भाई लेटर्स को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है अगर एरे के साथ पुश लिख दिया तो पुश का सेम काम है कि इसे हमारे एरे के अंदर एक नया जो एलिमेंट है या कपल ऑफ एलिमेंट है उन्हें पुश करना है उन्हें एड करना है तो ये फिक्स पीस ऑफ कोड है टू अपर केस को स्ट्रिंग एबीसी के साथ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जी के साथ भी टू अपर केस को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कभी भी टू अपर केस को हम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना हो और एक और एक्स्ट्रा चीज आप नोटिस करोगे जब भी फंक्शन को लिखते हैं हम उनके साथ हम पेरेंथेसिस को यूज करते हैं यहां भी क्या करेंगे पेरेंथेसिस को यूज करेंगे ये फंक्शन को इनवोक करने का तरीका होता है तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और पेरेंथेसिस तो यहां फंक्शन को इनवोक करना कॉल करने का मतलब है उस फंक्शन को यूज करना तो जब भी हम फंक्शंस को समझते हैं फंक्शंस के बारे में सोचते हैं फंक्शंस हमारे बेसिकली एक ऐसा ब्लैक बॉक्स की तरह इसको हम सोच सकते हैं दिस इज माई ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ इनपुट दे सकते हैं उसको हम कुछ कमांड दे सकते हैं जैसे लॉग फंक्शन को पता है कि उसे कंसोल स्क्रीन के ऊपर कुछ लॉग करवाना है कुछ प्रिंट करवाना है पर क्या प्रिंट करवाना है वो हमें उसे पास करना पड़ेगा वो हमें उसे लिख के देना पड़ेगा कि ये मैसेज है इसको प्रिंट करवा के दे दो। जैसे पुष्ट फंक्शन को पता है एरे के अंदर कुछ नया एलिमेंट एड करना है पर क्या एलिमेंट ऐड करना है वो हमें उसे पास करना पड़ेगा तो जो भी इनपुट होता है उसे हम अपने पेरेंथेसिस के अंदर लिख कर भेज रहे होते हैं कि क्या इनपुट हम इसे देना चाहते हैं और फिर हमारा फंक्शन हमें कुछ काम करके देता है काम इज बेसिकली आर आउटपुट हो सकता है फंक्शन कोई वैल्यू भी वापस हमें ला कर दे दे अभी के लिए उसको नहीं देखेंगे अभी के लिए ये सोचना है फंक्शन हमारा ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है जो कुछ इनपुट लेता है और हमें कुछ काम करके देता है यानी कुछ आउटपुट रिटर्न करता है अब फंक्शन को लिखा कैसे जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर ये तो हो गए ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं जावास्क्रिप्ट में हमें हमें इन्हें लिखना नहीं पड़ा, हमें नहीं बताना पड़ा पड़ा बताना कि कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो क्या प्रोसेस होगा बट हम खुद के भी फंक्शंस बना सकते हैं और मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग में होते हैं हम खुद के फंक्शन बना रहे होते हैं तो खुद के फंक्शन बनाने के लिए दो पार्ट होते हैं या दो स्टेप हमारा प्रोसेस होता है सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली जैसे मान लो कोई कंपनी है हायर कर रही है तो उसे बताना पड़ेगा मैं वेब डेवलपर हायर कर रही हूं तो मेरी जो वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें ये ये स्किल्स आनी चाहिए उनका जो रोल है वो उसमें ये ये होगा अगर हम कोई कुक हायर कर रहे हैं तो कुक के लिए हमें बताना पड़ेगा अच्छा हम हमें चाइनीज जो डिशेज हैं चाइनीज जो क्विजीन है उसे बनवाना है या हमें फ्रेंच डिशेज को बनवाना है तो उस तरीके से हमें बताना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन में कि क्या काम करना है तो वो जो काम करना है कि काम होगा क्या वो हम बताते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर और काम करवाने के लिए हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं जैसे कुक हमने हायर कर लिया वो हो गई फंक्शन डेफिनेशन बता के कि कुक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जब एक्चुअली कुक को बुला के हम उससे कुछ खाना बनवा रहे हैं वो हो गई फंक्शन कॉल अब फंक्शन डेफिनेशन के लिए हम लिखते हैं अपना फंक्शन की ये हमारा रिजर्व वर्ड होता है एंड फिर हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं जैसे हम अपने वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं वैसे ही हम अपने फंक्शन का भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं फिर हम लगाते हैं दो पेरेंथेसिस और करली ब्रेसेस और ये जो करली ब्रेसेस होते हैं ये भी हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है ब्लॉक ऑफ कोड यानी दो ब्रेसेस ब्रेसेस के के बीच बीच में में जो कोड लिखते हैं और फिर के बीच में हम हमें फंक्शन से जो भी काम करवाना है उसको हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं जावा के अंदर तो एक बार एक फंक्शन को खुद के फंक्शन को लिखते हैं हम लिखेंगे शुरुआत करेंगे अपने फंक्शन की के साथ हम इस फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं लेट्स कॉल इट माई फंक्शन ये मेरा फंक्शन है हमने पेरेंथेसिस लगाए उसके बाद सपोज मेरा जो फंक्शन है वो प्रिंट करवाता है लेट्स राइट वेलकम टू अपना कॉलेज इस तरीके का कुछ प्रिंट करवाता है एंड नेक्स्ट लाइन में एक और काम करवाता है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता है वी आर लर्निंग जे एस इस तरीके से इसने दो लाइनें जो है प्रिंट करवा दी ये इसका काम हो गया इसे सेव कर सकते हैं जैसे ही हमने ये चीज लिख दी तो हमने क्या किया हमने अपने मेमोरी के अंदर अपने कोड के अंदर एक माई फंक्शन नाम का फंक्शन बना लिया इसे सेव कर लेते हैं एंड हम जा सकते हैं अपने फोल्डर पर फोल्डर में जाएंगे जहां फाइल है इंडेक्स डॉट एच ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल हमारे लिए खुल जाएगी मैंने फाइल को ऑलरेडी खोला हुआ है डबल क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट भी खोला हुआ है इंस्पेक्ट के अंदर हमें कंसोल पे जाना है ऑलरेडी हम हर क्लास के अंदर देखते आ रहे हैं और कंसोल विंडो को हम लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं अब कंसोल विंडो के ऊपर हम जाके हम देख सकते हैं कि हमारे लिए आज कुछ प्रिंट नहीं हुआ है मतलब हमने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया उसके अंदर कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई है, पर स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट होकर नहीं आया वो इसलिए प्रिंट होकर नहीं आया क्योंकि फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करना काफी नहीं है डिफाइन करना तो मतलब आपने बता दिया जावास्क्रिप्ट को कि ये हमारा फंक्शन है और ये ये काम करेगा पर उस फंक्शन से काम करवाने के लिए हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन का नाम एंड फिर उसके साथ पेरेंथेसिस एंड फिर अपना सेमिकोलिन दिखाने के लिए कि एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई अब जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से इसके बाद में हमें सेमिकोलिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाय डेफिनेशन जनरली जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है यानी दो करली ब्रेसेस दो करली ब्रेसेस का मतलब होता है ये इतना पार्ट सीमित है इसके बाद आपको सेमिकोलिन लगाने की जरूरत नहीं है तो अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे माई फंक्शन उसके बाद पेरेंथेसिस एंड अपना सेमिकोलिन सेव कर लेते हैं रिफ्रेश किया तो इस बार हमारे लिए दोनों चीजें प्रिंट होकर आई अगर ये जो दो चीजें प्रिंट होने का काम मुझे दो बार करवाना होता तो कुछ नहीं करना था बस फंक्शन को दो बार कॉल कर दो सेव किया रिफ्रेश किया ये फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ ये हमारा सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल हुआ अगर ये इसी सेम फंक्शन को मुझे पांच बार कॉल करवाना था तो कुछ नहीं करना था बस पांच बार कॉलिंग स्टेटमेंट लिखनी थी एक चीज आप नोटिस करोगे ये जो अंदर दो लाइनें हैं या यहाँ पे कितनी भी लाइनें हो सकती थी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार लाइनें होती और मैंने दो बार फंक्शन को कॉल करवाया सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो आई वुड गॉट इन एट लाइंस ऑफ कोड पर मैंने यहां पे एक ही बार सिर्फ चार लाइनें लिखी तो फंक्शंस का एक और स्पेसिफिक काम ये भी होता है कि कोड के अंदर आपको अगर ऐसा कुछ कोड का पीस ऑफ कोड आप नोटिस करो जो रिपीट हो रहा है बार 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 आपको लिखना पड़ रहा है तो उसे आप एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो फॉर एक्जाम्पल लेट सपोज यू आर मेकिंग अ गेम आप कोई थ्री डी गेम बना रहे हो आप कोई टू डी गेम बना रहे हो आपके जो कैरेक्टर है पब्जी जैसा कोई गेम है उसमें बुलेट स्पीड आपको बार 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 कैलकुलेट करनी पड़ रही है फिजिक्स का कोई फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है यू कैन कन्वर्ट दैट फॉर्मूला इन टू अ फंक्शन तो जब भी आपको अगली बार वो फॉर्मूला लगाना पड़े आप सिंपली फंक्शन को कॉल कर सकते हो तो बार बार वो जो लॉजिक है वो जो लाइन ऑफ कोड है आपको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी तो एक तरीके से फंक्शन हमें क्या बचाते हैं कोड के अंदर से रिडंडेंसी से बचाते हैं रिडांडेंसी इज अ टेक्निकल वर्ड रिडेंडेंसी रिडेंडेंसी का मतलब होता है चीजें रिपीट होना हमारे कोड के अंदर जब चीजें रिपीट होती हैं उससे क्या होता है रिडेंडेंसी आती है रिपिटेशन आती है और रिपिटेशन किसी भी अच्छे कोड के लिए अच्छी नहीं है जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने कोड के अंदर चीजें कम रिपीट करने की कोशिश करते हैं बार बार कुछ रिपीट हो रहा होता है उसको फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें भी क्या बनना है हमें भी अच्छा डेवेलपर बनना है तो कोड के अंदर रिडेंडेंसी हमें मिनिमाइज करनी होती है खैर ये तो होगी थियोरेटिकल बातें इस तरीके से हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं और इस तरीके से हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं इसे कॉल करना भी कह सकते हैं इसे फंक्शन को invoke करना invoke करना यानी बुलाना भी कह सकते हैं अब ये तो हो गया हमारा ऐसा फंक्शन जिसका जो आउटपुट है वो किसी इनपुट पे डिपेंड नहीं करता आपको कुछ भी अगर प्रिंट करवाना है उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं चाहिए पर मान लो मुझे कोई स्पेसिफिक मैसेज ही है जिसको प्रिंट करवाना है ये मेरा मैसेज है जिसको मुझे प्रिंट करवाना है तो हर बार हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग करके हम यहां लिख सकते हैं अपना मैसेज कि मुझे हर बार इसी मैसेज को प्रिंट करवाना है तो ये मेरे इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा तो इनपुट्स डिफाइन करने के लिए हम इन पेरेंथेसिस के बीच में अपने इनपुट वेरिएबल को लिख लेते हैं और ये जो हमारा वेरिएबल होता है इसे हम कहते हैं अपना पैरामीटर तो जितने भी हमारे इनपुट्स होते हैं फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है उसे हम अपना फंक्शन का पैरामीटर कहते हैं पैरामीटर यानी जो इनपुट वेरिएबल है जो हमारे पास आ रहा होगा और अब अगर मैं माई फंक्शन को कॉल करूं तो माई फंक्शन को सिर्फ इतना लिखकर कॉल करना काफी नहीं होगा सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे विल गेट अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि हमने मैसेज को कभी भेजा ही नहीं मैसेज कभी गया ही नहीं तो यहाँ पे वो मैसेज को तो प्रिंट करवा देगा पर जिस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है वो क्या होगा अनडिफाइंड होगा तो इसीलिए माई फंक्शन के अंदर मुझे कुछ मैसेज भेजना पड़ेगा मेरा मैसेज कुछ भी हो सकता है आई लव जावर सेव कर देते हैं रिफ्रेश कर देते हैं तो वही चीज मेरे लिए प्रिंट होकर आ जाएगी तो यहां पे जो हमारा पैरामीटर होता है वो हम फंक्शन कॉल के अंदर के अंदर ही लिखकर पास कर रहे होते हैं और यहां पर क्या करेंगे यहां पर इसी सेम पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट कह देते हैं तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सेम ही चीज होती है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जिस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं उसको पैरामीटर कह देते हैं और फंक्शन कॉल के अंदर जिस वैल्यू को हम पास कर देते हैं उसे हम आर्ग्यूमेंट कह देते हैं पर इनको जनरली लोग इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं आपकी मर्जी आप यूज करना चाहो तो बट टेक्निकल टर्म्स जो सही तरीका है लिखने का वो यही है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो पैरामीटर होता है कॉल के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं बाकी बात दोनों जगह सेम ही चीज की हो रही है और हम चाहते तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते थे जैसे यहां पर मैं कोई और वेरिएबल पास कर देती लेट्स सपोज आई पास द वैल्यू हंड्रेड

नंबर मतलब इसका जो आउटपुट निकल के आया दिस इज नॉट अ नंबर दिस इज नॉट वैलिड यू कान डू इट तो इस तरीके से हम अपने नंबर को अपनी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब ये तो हो गया बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स क्रिएट अ फंक्शन जो दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के काम आता हैं हमें लेट सपोज हमारा कोई कोड है जिसमें बार 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 हमें दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करना पड़ रहा है कभी हमें फोर प्लस फाइव का सम कैलकुलेट करना पड़ रहा है कभी हमें सेवन प्लस एट का सम कैलकुलेट करना पड़ रहा है इस तरीके से बार बार हमारे कोड के अंदर सपोज हमें सम कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं वी कैन कॉल इट सम सम के अंदर दो नंबर्स का सम कैलकुलेट होगा तो वो दो नंबर आने चाहिए इसके अंदर इनपुट में तो इनपुट में हम दो नंबर्स ले सकते हैं ए एंड बी इनको हम एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं जो हमारा मन करे और फिर क्या कर सकते हैं हम कंसोल डॉट लॉग करके इन दो नंबर्स के सम को प्रिंट करवा सकते हैं इसको सेव कर लिया रिफ्रेश किया रिफ्रेश किया अब इसे कॉल करना पड़ेगा तो यहीं पे कंसोल के अंदर कॉल कर लेते हैं लेट सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ वन एंड टू थ्री आ गया हमारे पास उसी तरीके से वन ट्वेंटी वन एंड थ्री एट नाइन्टी टू इस नंबर का सम कैलकुलेट कर रहे हैं वन जीरो वन थ्री हमारे पास आ गया तो इस तरीके से जब भी हमें दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करना हुआ हम अपने सम फंक्शन को इनवोक कर सकते हैं उसे कॉल कर सकते हैं अब ये तो हो गया वो फंक्शन जो कुछ भी काम हमें करके दे रहा है फंक्शंस कुछ इनपुट लेते हैं तो वो कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन जो है हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके वापस करके भी दे सकता है उसके लिए हमें अपने रिटर्न की को यूज करना होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सम फंक्शन है ये वैल्यू को प्रिंट ना करवाए ये उस वैल्यू को बस रिटर्न करके दे दे तो यहाँ क्या कर सकते हैं यहाँ एक वेरिएबल बना सकते हैं सम और उसके अंदर x प्लस वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं या कन्फ्यूजन ना हो जाए सेम नेम से तो इसे s बोल देते हैं इसके अंदर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है और फिर इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम अपना रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं

एक्स या सम ऑफ थ्री एंड फोर को कॉल करेंगे तो इस बार कुछ भी प्रिंट नहीं होगा रिफ्रेश किया हमारी स्क्रीन खाली है क्योंकि कहीं भी तो इसे कहीं पे स्टोर करा लेते हैं लेट वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू और फिर हम इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू सेव कर लेते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई सेवन के इक्वल तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न हो सकती है एंड उसे हम कहीं भी किसी भी नए वेरिएबल के अंदर सेव करवा सकते हैं फिर उसे यूज कर सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज टू नोट कि जैसे ही कोई फंक्शन रिटर्न कर देता है उसके बाद अगर आपने कुछ भी कोड लिखा लेट सपोज हम यहाँ कंस्रोल डॉट लॉग लिख देते हैं आफ्टर रिटर्न ये हमारी कंस्रोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट होगी और एक स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं बिफोर रिटर्न ये रिटर्न से पहले ये रिटर्न के बाद तो यहाँ वीएस कोड तो पहले ही आपको इंडिकेट कर रहा है धुंधली तो सी, मतलब सी हमारी लाइन हो गई है you, you it, it ये कभी नहीं इस कोड को कभी रन ही नहीं किया जाएगा ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है बिफोर रिटर्न हमारे पास सेवन प्रिंट होके आ रहा है पर कभी भी आफ्टर रिटर्न प्रिंट होके नहीं आएगा तो एक बार आपने किसी भी फंक्शन से रिटर्न कर दिया उसके बाद कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट हो, हो, तो हो गया बिफोर रिटर्न फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो रिटर्न एस से क्या होगा हमारी एस की वैल्यू सम की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी सम की वैल्यू कहां रिटर्न होगी सम की वैल्यू वहां रिटर्न होगी जहां उसको कॉल किया गया था तो वहां पर हम

ये काम हो सकता है हमने फाइनली किसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया वो भी एक वैलिड काम है जिसको हम करवा सकते हैं अब हमारे जो फंक्शन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे सपोज हमारे पास सम फंक्शन के अंदर एक्स एंड वाई पैरामीटर है अब ये जो एक्स एंड वाई पैरामीटर है ये एक्ट करेंगे एज दिस फंक्शन लोकल वेरिएबल्स ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स की तरह एक्ट करते हैं लोकल वेरिएबल यानी ऐसा वेरिएबल जो इसी फंक्शन इसी के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है मतलब इसी फंक्शन के स्कोप में रहता है स्कोप की बात हमने पहले भी की थी स्कोप का मतलब बेसिकली होता है वो वेरिएबल कहां तक जिंदा है तो ये जो पैरामीटर्स आते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर ये लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं फंक्शन के तो मतलब ये फंक्शन के करली ब्रेसेस के अंदर तक ही जिंदा है उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहां पर हम प्रिंट करवाने की कोशिश करें कंसोल डॉट लॉग एक्स यहां क्या आएगा हमारे पास अनडिफाइंड आएगा रिफ्रेश करेंगे पर अगर यहाँ परिंट करवाएं हो जाएगा रिफ्रेश करेंगे एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू थ्री तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी वैल्यू तो यहाँ से अपने नोट्स में एक चीज हमें लिख लेनी है कि जो हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पैराम्स वट आर दे आर लाइक वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन एंड इनका क्या स्कोप होता है इनके पास ब्लॉक स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब कहां तक जिंदा रहते है ब्लॉक तक जिंदा रहते हैं कौन से ब्लॉक तक जिंदा रहते हैं फंक्शन के ब्लॉक तक जिंदा रहते हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसको हमें याद रखना है तो ब्लॉक का मतलब होता है अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है या कुछ और लिखा है तो वो कहां तक जिंदा है तो हमारे जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं उनका ब्लॉक स्कोप होता है और वो ब्लॉक तक ही जिंदा रहते हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट एरो फंक्शन एरो फंक्शन फंक्शंस को ही लिखने का एक कॉम्पैक्ट तरीका होता है कॉम्पैक्ट यानी छोटा तरीका होता है एक दो फंक्शन बनाकर देखते हैं तो वी कैन मेक फंक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग एक हम सम फंक्शन बना लेते हैं तो ये हमारा फंक्शन हो गया सम जिसके पास दो नंबर आते हैं ए और बी और ये क्या करता है ए और बी का सम रिटर्न कर देता है ए प्लस बी उसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना सकते हैं वी कैन कॉल इट मल इसको मल्टीप्लीकेशन फंक्शन हम बना सकते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए या मल्टीप्लीकेशन फंक्शन इसके अंदर ए एंड बी दो नंबर्स आएंगे तो ये फंक्शन हमारे लिए रिटर्न करेगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी तो ये इसने रिटर्न कर दिया तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है जो बनाए जा सकते हैं अब इन्हीं फंक्शन को एक और कॉम्पैक्ट तरीके से छोटे तरीके से लिखने का तरीका होता है हमारे एरो फंक्शन एरो हम कैसे लिखते हैं एरो के अंदर सीधा हम अपने पेरेंथेसिस लगाते हैं और पेरेंथेसिस के अंदर हम अपने पैरामीटर्स यूज करते हैं और पैरामीटर्स के बाद हम एक एरो देते हैं एरो कैसे देते हैं पहले हम लिखते हैं इक्वल टू उसके बाद ग्रेटर देन का साइन बिना किसी स्पेस के तो इसको क्या कह देते हैं हम ये हमारे एरो फंक्शन का साइन हो जाता है हम लिखते हैं पेरेंथेसिस फिर एरो और फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं करली ब्रेसिस से और उसके अंदर अपना काम लिखते हैं तो बेसिकली ये एरो फंक्शन क्या कर करिए बता रही है ये हमारे इनपुट आएंगे और इन in इनपुट के ऊपर क्या काम करना है वो हमारे लिए एरो हमारे पास बता के दे रही है तो इतना जो पार्ट होता है इसको हम अपना एरो फंक्शन कह देते हैं और इस एरो फंक्शन की वैल्यू को चाहे तो हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं तो जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको भी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है

अगर रिफ्रेश करेंगे अपने कोड को तो एज सच कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन को हमने यहां पे लिख तो दिया पर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा तो यहां पे हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं कॉन्स्ट इसको हम कह सकते हैं एरो सम तो एरो जो वेरिएबल होगा ये अब एक फंक्शन बन जाएगा इसको सेव कर लेते हैं

तो ये क्या है ये एक्चुअली एक फंक्शन है अब इस एरो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का वही सेम तरीका होता है हम एरो सम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर कुछ वैल्यू को पास कर देंगे तो फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें पेरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करनी होती है तो ये क्या करेगा हमें हमारा सम रिटर्न करके दे देगा तो इस तरीके से हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन का एक एरो फंक्शन वर्जन लिख सकते हैं और हमारे जो एरो फंक्शन है दे आर पार्ट ऑफ मॉडर्न जावासक्रिप्ट तो जो मॉडर्न जावस्क्रिप्ट के अंदर एक और नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था दोज वर एरो फंक्शंस और जनरली अपनी जो मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग होती है जावस्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर हम एरो फंक्शंस को ही लिखना प्रेफर करते हैं तो ये हमारा एरो फंक्शन हो गया अब मल्टीप्लिकेशन का एरो फंक्शन अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी पॉज करके खुद उसको करने की कोशिश करनी है उसके बाद आप मेरे साथ आप बना सकते हो तो यहां पर वी कैन राइट कांस्ट हमारा एरो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू पेरेंथेसिस बनाएंगे ए एंड बी एरो बना लिया एंड उसके बाद यहां प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी को इसको सेव कर लेते हैं रिफ्रेश किया एंड अब एरो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं पर इसको कॉल भी कर सकते हैं थ्री एंड फोर को हमें मल्टीप्लाई करवाना है तो आंसर हो जाएगा ट्वेल्व तो काम करते हैं हम चाहे तो वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं एरो फंक्शन से रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाई बी इसका मतलब ये नहीं है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू एरो मल्टीप्लीकेशन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी इसका मतलब यह है जब भी एरो मल्टीप्लीकेशन को कॉल किया जाएगा तब ए मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू रिटर्न होगी सेव कर लेते हैं रिफ्रेश किया एरो मल्टीप्लीकेशन के अंदर अभी भी हमारा फंक्शन हो रहा है पर इस इस बार इसे call करेंगे 3 and 4 को तो तो ये हमें तरीके से हमारे एरो मल्टीपल काम के लिए अपने फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं ये चीज याद रखनी एरो फंक्शन क्या है एरो फंक्शन राइट साइड वाला पार्ट है ये तो बस फंक्शन की वैल्यू को हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया तो ये क्या बन गया ये वेरिएबल ये हमारा एक फंक्शन वेरिएबल बन गया ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू में एक फंक्शन स्टोर है कल को हम चाहें तो एरो मल्टीप्लीकेशन के अंदर फाइव नॉर्मल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है ये सिंपल वेरिएबल ही तो है सेव किया रिफ्रेश किया ओके okay, कॉन्स्टेंट था लेट से डिफाइन कर लेते हैं रिफ्रेश किया तो इस बार एरो मल्टीप्लीकेशन के अंदर फाइव वैल्यू आ गई तो एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसके अंदर आज एक फंक्शन वैल्यू है तो कल को कुछ और नॉर्मल वैल्यू भी स्टोर हो सकती थी इज हाउ आर आर ओ फंक्शन अब जनरली जो हमारे आर ओ फंक्शन होते हैं इनको हम छोटे फंक्शन के लिए यूज करते हैं एक तो हो सकता है हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो बहुत सारा काम करके दे रहा है तीन चार पांच छह लाइन ऑफ कोड है उसके अंदर उन केसेस के लिए हम जनरली आर ओ फंक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का, का काम है मेरे पास सम कैलकुलेट करने का काम है इस तरीके के अगर छोटे काम हमारे पास होते हैं तो हम एर ओ फंक्शन को यूज करते हैं तो एर ओ फंक्शन से यहां से क्या कर सकते हैं वी कैन रिटर्न आर वैल्यू ए प्लस B. इसके अलावा हम कुछ प्रिंट करवाने के लिए भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कैन क्रिएटन प्रिंट मुझे है, तो उसके लिए बिना कोई भी लिख सकते हैं और फिर अपना एरो लगा सकते हैं करली ब्रेसेस एंड यहां हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो तो बिना इनपुट के भी हमारा एरो फंक्शन हमें कुछ काम करके दे सकता है तो इस तरीके से हम अपने प्रिंट हेलो फंक्शन को लिख सकते हैं रिफ्रेश किया नाउ आई कैन एग्जीक्यूट माई प्रिंट हेलो मेरे पास हेलो प्रिंट होकर आ गया एंड जनरली हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है तो हम इस करली ब्रेसिस को भी हटा सकते हैं सेव किया तो इस तरीके से हमारे फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है जिसके अंदर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है रिफ्रेश किया दोबारा से प्रिंट हेलो को प्रिंट करवा सकते हैं हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा इसके अंदर कोई एरर नहीं है पर जनरली यहां पर हम प्रेफर करेंगे कि हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही अपने फंक्शन से काम करवाएं सो दिस वॉज ऑल अबाउट फंक्शन एंड एरो नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहला हमारा सवाल है क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन की वर्ड दट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग वॉवल्स हमारे क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर ए ई आई ओ यू ये हमारे पांच वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर और हमें कोई भी स्ट्रिंग दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल हमें स्ट्रिंग दी जा रही है हेलो तो हेलो के अंदर जो नंबर ऑफ वॉवल्स है उनको हमें प्रिंट करवाना है एक वॉवल है हमारे पास ई एक है हमारे पास ओ तो हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करे नंबर ऑफ वॉवल्स या काउंट ऑफ वॉवल्स तो ये दो वैल्यू को रिटर्न कर देगा तो इस तरीके का फंक्शन हमें क्रिएट करना है इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी नॉर्मल जो हमने चीजें सीखी है वही सारी चीजें हमारे काम आएंगी तो एक बार पॉज करके फंक्शन का तो लॉजिक यूज करना ही है पुराना जो स्ट्रिंग्स के टाइम पे लूप्स के टाइम पे हमने चीजें सीखी थी उनको भी हमें याद करना है और फिर एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है बाकी हम तो अभी करेंगे ही लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट सबसे पहले तो हम अपने फंक्शन का नाम सोच लेते हैं क्या फंक्शन हम अपने फंक्शन का नाम लिख सकते हैं काउंट वॉवल्स फंक्शन का नाम जनरली पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन क्या काम करवाता है तो अपना फंक्शन एक बार क्रिएट करते हैं इन आर कोड लेट्स क्रिएट अ फंक्शन काउंट वॉवल्स इसके अंदर अंदर इनपुट के क्या आएगा इस फंक्शन के अंदर इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग आएगी तो स्ट्रिंग के लिए उसको नाम दे देते हैं एस तो ये हमारे वेरिएबल का नाम हो जाएगा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम एंड अब हमें स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सारे के सारे वॉवल्स को काउंट करना है अब वॉवल्स को कैसे काउंट करेंगे लेट सपोज हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास एक स्ट्रिंग है अपना कॉलेज अभी स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा एक एक इंडेक्स पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या ये वॉवल है एक हमारी स्ट्रिंग है और एक अपना काउंट वेरिएबल हम ले सकते हैं काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे जीरो के साथ अभी स्ट्रिंग के एक एक लेटर के ऊपर जाएंगे लेट सपोज हमारे पास लेटर है ए हम चेक करेंगे क्या ये वॉवल है या ये वॉवल नहीं है अगर है वावल तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे वन से फिर पी पे जाएंगे पी तो वावल नहीं है फिर एन पे जाएंगे एन तो वॉवल नहीं है फिर ए पे जाएंगे ए तो वावल है तो काउंट इंक्रीज कर दिया बाय वन फिर सी पे जाएंगे नहीं है ओ पे जाएंगे है इंक्रीज कर दिया बाय वन एल पे जाएंगे नहीं है दूसरे एल पे जाएंगे नहीं है फिर ई e पर जाएंगे ई पर जाएंगे तो इट इज अ वॉवल तो इसे काउंट को इंक्रीज कर दिया फोर जी पर जाएंगे नहीं है ई e पे जाएंगे दोबारा काउंट को इंक्रीज कर देंगे बाय फोर तो इस तरीके से एक एक लेटर एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्स पे मुझे जाना है और अपने वॉवल्स को मुझे काउंट करना है तो वॉवल्स आइडेंटिफाई करने से पहले तो एक और सिंपल काम कर लेते हैं स्ट्रिंग के एक एक इंडेक्स पे जाके उसके कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए हम कोई भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं लेट्स यूज द फॉर ऑफ लूप लेट या कॉन्स्ट इसको कह सकते हैं कॉन्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हम अपनी स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर निकालेंगे और क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉक करके अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाएंगे इसे यहां से हटा लेते हैं सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं काउंट वॉवल्स को हम कॉल करने वाले हैं विद अ स्ट्रिंग इसके अंदर स्ट्रिंग रख लेते हैं अपना कॉलेज ये हमारी स्ट्रिंग हो गई तो स्ट्रिंग के सारे के सारे जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास प्रिंट होके गए फॉर ऑफ लुक को कैसे लिखना है वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है अब हमें एक एक कैरेक्टर के लिए चेक करना है क्या ये वॉवल है तो कोई भी जो कैरेक्टर होता है लेट्स सपोज जिसकी वैल्यू अभी है है उसे कैसे चेक करेंगे कि वो कोई वोवल है क्या तो हम इस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं विद विदाट फाइव वैल्यूज एंड यू चेक कर लो हर इंडिविजुअल के साथ क्या ये इससे मैच कर रहा है तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इसका हमें चेक लगाने की जरूरत है तो यहाँ पे पहले तो एक वेरिएबल ले, ले लेते हैं लेट काउंट इज इक्वल टू जीरो एंड फिर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अगर अगर मेरे कैरेक्टर की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है ए के या फिर कैरेक्टर खे की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है ई के इसी तरीके से अगर हमारे कैरेक्टर की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है आई और माई कैरेक्टर इज इक्वल टू ओ और माई कैरेक्टर इज इक्वल टू यू इस तरीके से पांच कैरेक्टर्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं क्या किया हमने पांचों के पांचों कैरेक्टर्स के नाम लिख दिए और सबके साथ कंपेयर कर लिया अगर इसके साथ मैच हो जाता है ठीक है तब तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है नहीं तो ये तो क्या किसकी कंडीशन होती है और और या तो की कंडीशन या तो या नहीं तो इसके साथ चेक करो 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 पांचों में अगर किसी के साथ भी मैच हो गया तो हम क्या करेंगे तो फिर हमें काउंट को कर देना है प्लस प्लस तो हमारा काउंट हो जाएगा प्लस प्लस और अगर नहीं होता मैच तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है काउंट तो वैसे ही कम था उसको प्लस प्लस नहीं करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे अभी के लिए लास्ट में सिर्फ प्रिंट करवाते कर हैं अपना काउंट सेव कर लेते हैं तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वीएस कोड ने क्या किया हमारे कोड को एक बेटर तरीके से लिख दिया इसके लिए आई बिलीव मैंने प्रिटियर एक एक्सटेंशन होती है वीएस कोड के अंदर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है यू कैन सिंपली गो टू दिस एक्सटेंशंस एंड यहां से जाके आप एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हो और फिर कुछ वजह एक्सटेंशन होती हैं कोड लिखने में हेल्प कर रही होती है प्रिटियर इज वन ऑफ दैम एक लाइव सर्वर होती है जिसको वेबसाइट बनाते टाइम हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन होती है तो इस तरीके से हमारा कोड लिख कर आ गया लॉजिक सेम है रिफ्रेश किया अब काउंट वॉवल्स को एक बार एक सिंपल स्ट्रिंग के लिए कॉल करते हैं लेट्स कॉल इट फॉर एबीसी एंटर किया एबीसी के अंदर कितने वॉवल्स हैं ए की वॉवल है ए प्रिंट करवा दिया उसने अब ट्रिपल ए के लिए कॉल करते हैं थ्री बिल्कुल सही अब इफ आई कॉल इट फॉर अपना कॉलेज एंटर किया कितने वॉवल्स फाइव वॉवल्स हैं कौन कौन से ए सेकेंड एंड सेकेंड ई इस तरीके से हमारे पास आ गया अगर मैंने यूज किया काउंट वॉवल्स को फॉर लेट सपोज एक्स वाई जी एक भी वॉवल नहीं है तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया जीरो तो इस तरीके से हम अपना ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो वॉवल्स को काउंट करता है और फाइनली हमें क्या करना है काउंट को रिटर्न करना है तो ये फंक्शन क्या करेगा रिटर्न कर देगा द काउंट ऑफ वॉवल्स तो इस तरीके से हमने अपने फंक्शन को क्रिएट कर लिया है नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं क्रिएट एन फंक्शन टू परफॉर्म द सेम टास्क मुझे क्या करना है? फंक्शन की फॉर्म में सेम काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना सिंपली अपना एक एरो फंक्शन बनाओ इसके लिए से नाम देते हैं कॉन्स्ट लेट्स कॉल काउंट वॉवल्स की जगह वीओडब्ल्यू दे देते हैं बस तो ये हमारा एरो फंक्शन हो जाएगा जिसके अंदर इनपुट में एक स्ट्रिंग आएगी फिर हम एरो लगा देंगे और वही सेम काम करना है इनफैक्ट वी कैन कॉपी द सेम कोड कॉपी कर लिया पेस्ट कर दिया सेव कर लिया रिफ्रेश किया काउंट वाव wow को कॉल करते हैं काउंट वाव wow को कॉल करते हैं विद आर स्ट्रिंग इट्स कॉल एट एवीसीडी एंटर किया हमारे पास एक वावल आ गया इसी तरीके से ए आई ओ यू आई नो हमारे पास पांच आएगा काउंट एंटर किया हमारे पास काउंट में रिटर्न होकर आ गया पांच तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं इन अब जावास के बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और इनबिल्ट इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में फॉर एरेज विच इज कॉल्ड द फॉर ईच फॉर ईच एक तरीके का लूप होता है जिसको जनरली हम अपने एरेज के लिए यूज कर सकते हैं अब जो फॉर ईच है इट इज एक्चुअली अ मेथड दो टर्म्स आप बार 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 सुनेंगे एक टर्म आप सुनेंगे फंक्शन एक टर्म आप सुनेंगे मेथड अब फंक्शन क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पर जनरली हमने बात की है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं लेट्स सपोज हमने ली एबीसी और उसके लिए अगर हमने लिखा टू अपर केस तो ये जो टू अपर केस होता है दिस इज एक्चुअली अ मेथड उसी तरीके से ये जो हमारा फॉर ईच है दिस इज एक्चुअली अ मेथड फंक्शन तो एक नॉर्मल फंक्शन होता है नॉर्मल ब्लैक बॉक्स होता है जो हमारे लिए कुछ इनपुट के बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट कुछ काम करके देता है पर अगर हम इसी फंक्शन को लेट सपोज किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो फिर यही फंक्शन हमारे लिए मेथड बन जाता है फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया टू अपर केस एक स्ट्रिंग के लिए ही यूज हो सकता है तो ये क्या बन गया ये मेथड बन गया क्योंकि टू अपर केस अब लगाने के लिए टू अपर केस को यूज करने के लिए हमें हमेशा अब एक स्ट्रिंग की जरूरत होगी ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम अपने कोड के अंदर लिखें कोई एरे वन टू थ्री और उसके लिए हम यूज कर लें डॉट टू अपर केस टू अपर केस अगर इस तरीके से हम करते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो हमारे पास एरर आ जाएगा टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन एट दिस वैल्यू मतलब इस तरीके से हम उसे यूज नहीं कर सकते हमें हमेशा स्ट्रिंग की जरूरत होगी अपने टू अपर केस को यूज करने के लिए तो ये जो टू अपर केस था ये था तो एक फंक्शन पर इसे हमने बाइंड कर दिया इसे हमने जोड़ दिया एक स्ट्रिंग के साथ तो अब ये हमेशा स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है ऐसे ही हमारा जो फॉर ईच है फॉर ईच है तो एक फंक्शन ही पर ये फंक्शन जुड़ गया है एरेज के साथ या इसे हम स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं पर क्योंकि ये किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ जहां पे हम डेटा स्टोर कराते हैं उसके साथ जुड़ गया है तो इसी फंक्शन को हम मेथड कहेंगे तो मेथड्स क्या होते हैं मेथड्स फंक्शन ही होते हैं बस मेथड्स को हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी और चीज के साथ किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट कर देते हैं बाइंड कर देते हैं जोड़ देते हैं अब नेक्स्ट मेथड जिसको हम पढ़ रहे होंगे ये हमारा फॉर ईच मेथड होगा और इसका काम होता है टू क्रिएट अ लूप फॉर ईच को हम इस तरीके से यूज करते हैं अगर हम किसी एरे के ऊपर फॉर ईच लगाना चाह रहे हैं तो हम अपने एरे का नाम लिखते हैं फिर हम लिखते हैं डॉट फॉर ईच उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम अपना एक फंक्शन पास करते हैं और ये जो फंक्शन होता है इसको हम कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हैं अब फंक्शंस जावा स्क्रिप्ट के अंदर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन जावा स्क्रिप्ट कि फंक्शंस जावा स्क्रिप्ट के अंदर पैरामीटर्स की तरह पास हो सकते हैं पैरामीटर्स की तरह पास भी हो सकते हैं प्लस आप चाहो तो किसी फंक्शन की वैल्यू को आप रिटर्न भी कर सकते हो तो नॉर्मली हम क्या करते थे किसी वेरिएबल को जो लेट सपोज कोई नंबर वेरिएबल है या कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है उसे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर की तरह पास कर सकते थे यहां पर मैंने लिखा एक फंक्शन माय फंक और इसके अंदर हमने क्या किया कोई नंबर लिया लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पर एन यू एम नंबर है और इसी नंबर को ये फंक्शन क्या करता है रिटर्न कर देता है तो नॉर्मल नंबर्स को नॉर्मल स्ट्रिंग्स को रिटर्न करना पैरामीटर की तरह लेना ये सारी चीजें नॉर्मल है पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस को भी यहाँ पर ले सकते हैं जैसे अगर मैंने डिफाइन किया कोई फंक्शन ए बी सी ए बी सी मेरा क्या है एक फंक्शन है ये फंक्शन क्या काम करवाता है ये फंक्शन काम करवाता है कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट करने का तो इसी ए बी सी को यहां पे लिखा भी जा सकता है और इसी एबीसी को यहां से रिटर्न भी किया जा सकता है तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह कहीं पे पास भी किए जा सकते हैं कहीं से रिटर्न भी किए जा सकते हैं इसीलिए जावास्क्रिप्ट के जो होते हैं वेरी स्पेशल और ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया जाता है इसी फंक्शन को हम नाम दे देते हैं कॉल बैक तो कॉल बैक इज अ फंक्शन विच इज पास आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन तो ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है फॉर ईच के अंदर ये फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए एरे के अंदर एग्जीक्यूट होता है इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर हम क्रिएट करते हैं एक एरे लेट एरे इज इक्वल टू वी हैव हैन टू थ्री फोर एंड फाइव इस तरीके से हमने एक एरे बना लिया फॉर ईच यूज करने के लिए हम लिखते हैं एरे डॉट फॉर ईच और इस तरीके से हम अपना फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं अब इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसके अंदर कोई फंक्शन पास करना पड़ेगा तो या तो हम लिख सकते हैं नॉर्मली कोई फंक्शन फंक्शन के साथ हम इसे नाम दे सकते हैं माई फंक्शन या प्रिंट वैल्यू प्रिंट वैल्यू नाम दे देते हैं इस फंक्शन को तो प्रॉपर फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है उसको हम पास करते हैं और इसके अंदर इसी फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं वैल्यू कोई भी वेरिएबल है जिसको डिफाइन करेंगे अब ये वैल्यू का क्या मतलब होगा इस फंक्शन के अंदर वैल्यू जो है ये फॉर ईच पास करेगा फॉर ईच एरे के एक एक एलिमेंट को वैल्यू की तरह उठाएगा और इस फंक्शन को ये जो इंटरनल कॉल बैक फंक्शन है इसको पास करेगा तो यहां पर वैल्यू का मतलब है ईच प्रिंट एक -एक करके, एक -एक करके तो करवा देंगे वैल्यू इसको सेव कर लेते हैं ये जो फंक्शन होता है कॉल बैक फंक्शन इसको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना होता सिर्फ इसकी डेफिनेशन पास करनी होती है फॉर ईच इसे ऑटोमेटिकली एक्जीक्यूट कर देगा हर एक अब रिफ्रेश करेंगे तो हमने फॉर ईच को तो ऑलरेडी कॉल किया था तो हमारे पास सारे के सारे आइटम्स प्रिंट होकर आ गए तो इस तरीके से हमारा फॉर ईच काम करता है अब जनरली फॉर ईच के अंदर ये जो कॉल बैक हम पास करते हैं इसको हम पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एरो फंक्शन एरो फंक्शन लिखने के लिए हम यहाँ बना सकते हैं अपने पेरेंथिस हमने लिख दिया वैल्यू जो हमारा इनपुट होने वाला है अब ये जो वैल्यू है हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग वैल्यू होगी और यहाँ हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं तो वी कैन राइट कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इसे कर सकते हैं सेव एंड रिफ्रेश तो फिर से हमारे लिए वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी अगर हमारे पास एरे के अंदर स्ट्रिंग्स होती तो सारी स्ट्रिंग्स की वैल्यू आ जाती फॉर एग्जाम्पल हमने सिटीज़ के नाम स्टोर कराए मैंने पुणे लिख दिया मैंने दिल्ली लिख दिया मैंने मुंबई लिख दिया सेव किया रिफ्रेश किया सो वी हैव ऑल द सिटी नेम्स तो इस तरीके से हमारा फॉर ईच काम करता है फॉर ईच को हम तब यूज करते हैं जब हमें एरे के हर एक एलिमेंट के लिए कुछ काम परफॉर्म कराना होता है फॉर एग्जाम्पल मुझे हर एक एलिमेंट को अपर केस के अंदर प्रिंट करना है तो मैं लिख सकती हूँ फॉर ईच वैल्यू डॉट टू अपर केस एंड इसे एग्जीक्यूट कर देंगे यहां पर ऐसे सेव किया रिफ्रेश किया ये सारी सारी सिटीज हमारे पास अपर केस के अंदर आ गई सो दिस इज माई फॉर ईच अब फॉर ईच का ये जो कॉल कॉल बैक बैक फंक्शन फंक्शन होता है के अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और ये जो पैरामीटर्स होते हैं ऑप्शनल होते हैं हमारे लिए एक होता है हमारा वैल्यू कि हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है जो आइटम स्टोर्ड है इसको हम आइटम भी कह सकते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपने पैरामीटर्स को दूसरा होता है हमारा इंडेक्स यानी हमारी पोजिशन और तीसरा होता है द एरे इट जैसे अगर मुझे प्रिंट करवाना हो यहाँ पे वैल्यू के साथ अपने इंडेक्स को तो मैं एक इंडेक्स वेरिएबल बना सकती हूँ और यहाँ पे अपर केस के साथ हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने इंडेक्स को इसको सेव किया रिफ्रेश किया रिफ्रेश पुणे एट 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 दिल्ली मुंबई टू हम चाहे तो इस इंडेक्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं हम चाहे तो इसे यूज भी कर सकते हैं और तीसरा एक पैरामीटर जो बाई डिफॉल्ट हमारे पास होता है दैट इज द एरे इट यानी ए हमारा जो एरे है उसे हम यहाँ पर साथ के साथ प्रिंट करवा सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो ये हमारी दो वैल्यूज हो गई ये हमारा एरे प्रिंट हो गया पूरा का पूरा ये दो वैल्यूज फिर हमारा पूरा एरे प्रिंट हो गया ये दो वैल्यूज फिर हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया तो इस तरीके से इन तीन पैरामीटर्स को फॉर ईच के अंदर यूज किया जा सकता है कुछ केसेस में हो सकता है हमें सिर्फ इंडेक्स की जरूरत पड़े वैल्यू की जरूरत ना पड़े अब हमारा जो फॉर ईच मेथड होता है दिस कैन ओनली बी यूज फॉर एरेस दिस विल नॉट बी यूज फॉर स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स के लिए अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा अब एक और इंटरेस्टिंग थियरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है इंटरव्यूज के अंदर जावास्क्रिप्ट का अगर आपका इंटरव्यू है वेब एंड ईच मेथड हायर ऑर्डर हैं या हायर ऑर्डर मेथड इनको हम कह सकते हैं ये जो हमारा फॉर ईच होता है ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन या हायर ऑर्डर मेथडो हम कह सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो दूसरे फंक्शन को या तो एज अ पैरामीटर ले लेते हैं किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज कर रहे होते हैं या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करते हैं किसी फंक्शन को कोई अगर फंक्शन है जो एज अ पैरामीटर यूज कर रहा है या दूसरा फंक्शन जो वहां से रिटर्न कर रहा है फंक्शन को एज अ वैल्यू तो उन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं जैसे यहां पर ये यह जो मेरा फॉर ईच फंक्शन है इसका पैरामीटर क्या है इसका पैरामीटर

फॉर ए गिवेन एर प्रिंट दैल्यूज मतलब हमारे पास एक एरे दियार प्रिंट करना है वन के लिए वन हो जाएगा टू के लिए फोर हो जाएगा थ्री के लिए नाइन हो जाएगा फोर के लिए सिक्सटीन हो जाएगा इस तरीके से हर एक नंबर का हमें स्क्र प्रिंट करना है यूजिंग द फॉर ईच लूप स्क्र क्या होता है स्क्वायर होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर इट सेल्फ अब उसके लिए सबसे पहले तो हम एरे बना लेते हैं पहले तो इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है बाकी पॉज करके लेक्चर को वरना हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एक एरे बना लेते हैं इनको कहते हैं नंबर्स लेट नंबर्स एरे इज इक्वल टू इसके अंदर कोई भी रैंडम नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं अपना फॉर ईच लूप यूज करने के लिए हम लिखेंगे नंबर्स डॉट फॉर ईच और इसके अंदर अपना कॉल बैक पास कर देंगे कॉल बैक के अंदर हमारे पास हर एक नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ नंबर एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर इट तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा स्क्वायर स्क्वायर लाने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम अपना ये वाला ऑपरेटर यूज करें नहीं तो ये भी वैलिड तरीका है इसे सेव कर लेते हैं और आउटपुट में जब हम आएंगे तो हमारे पास हर एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न होकर आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर होता है थ्री का स्क्वायर नाइन होता है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है फाइव का ट्वेंटी फाइव सिक्स का हमारे पास थर्टी सिक्स आ जाएगा तो इस तरीके से इवन इफ यू राइट रेली लाइक बिग नंबर जिनके हो सकता है हमें स्क्वायर याद ना हो जैसे सिक्सटी सेवन हो गया फिफ्टी टू हो गया थर्टी नाइन हो गया सेव किया रिफ्रेश किया तो इनके भी स्क्वेयर हमारे लिए ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएंगे अच्छा कॉल बैक को लिखने का एक और तरीका होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया वील कॉल इट स्क्वायर या कैलकुलेट स्क्वायर Calculate square, इसको इसको हम हम बोल सकते हैं हैं और यहां पे पे अपना पूरा जो arrow function है इसको cut करके यहां पे paste कर देते हैं। तो ये हमारा calculate square नाम का एक फंक्शन बन गया जिसकी डेफिनेशन में एक पूरा का पूरा हमारे पास एरो फंक्शन है तो इस कैलकुलेट स्क्वेर को आई कैन पास इन साइड दिस फॉर ईच फॉर ईच के अंदर कैलकुलेट स्क्वेयर को अगर हम पास कर देंगे तो भी एक वैलिड तरीका होगा अपने एरो फंक्शंस को यूज करने का रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारे पास सारे के सारे स्क्वेयर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे तो इस तरीके से भी हम अपने कॉल बैक्स को पास कर सकते हैं तो कॉल बैक में हमें क्या पास करना होता है बस एक फंक्शन पास करना होता है वो एक वेरिएबल भी हो सकता है जिसमें किसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरे के कुछ और मेथड्स के बारे में और ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हमारी डे टू डे जिंदगी को के साथ काम करने में थोड़ा सा आसान बना देते हैं अब ये जो एरे मेथड्स हैं हैं काफी फ्रीक्वेंटली अगर आप ऑनलाइन जाके मान लो जैसे पे, कहीं और भी जाके अगर आप दूसरों का कोड देखते हो जिसने वेबसाइट बनाई है या कोई वेब डेवलपमेंट का आप कोड देखते हो प्रोजेक्ट का कोड देखते हो उसके अंदर काफी फ्रीक्वेंटली है सो फ्रिक्वेंटली आर इंपॉर्टेंट एरे मेथड जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाते हैं सबसे पहला मेथड जिसके बारे में हम जान सकते हैं दैट इज द मैप मेथड मैप मेथड हमारा फॉर ईच के काफी सिमिलर होता है जैसे फॉर ईच का काम होता है एरे के एक-एक इंडेक्स -एक पर जाकर एक-एक वैल्यू -एक के लिए किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना वैसा ही कुछ काम हमारे लिए हमारा मैप मेथड करके देता है मैप को भी यूज किया जा सकता है एरे के एक-एक इंडेक्स -एक पे जाके एक-एक वैल्यू के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए तो तो बस दोनों में ये होता है 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 कि कि क्या करता हमें एक एक नया नया करके देता कुछ भी काम काम आपने करा लिया तो जो जो आप कराओगे और जो result हमारा आएगा उन से एक नया array create हो जाएगा बल्कि फॉर ईच के अंदर कोई नया एरे क्रिएट नहीं होता फॉर ईच क्या करता है कुछ काम ही हमें कैलकुलेट करके देता है तो मैप विद द रिजल्ट ऑफ वैल्यू इट्स कॉल बैक रिटर्न आर यूज टू फॉर्म न्यू एरे तो हम लिखते हैं एरे डॉट मैप और इसके अंदर भी हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम तीन पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं वैल्यू इंडेक्स और एरे जनरली जब भी हम फॉरिज को यूज करते हैं मैप को यूज करते हैं तो हम ये इंडेक्स और एरे जनरली नहीं यूज कर रहे होते हम सिंपली अपना वैल्यू ही लिखते हैं कॉल बैक के अंदर तो मैप को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम मैप को यूज करने वाले हैं अपने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ से हटा देते हैं हमें ये जो नंबर्स एरे है इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो हम लिख सकते हैं नंबर्स डॉट मैप और हम यहां कॉल बैक पास कर सकते हैं हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू इसको सेव कर लेते हैं रिफ्रेश किया तो हमारे पास सारे, -सारे numbers के सारे नंबर्स प्रिंट होके गए इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज तो ये तो हो गया मैप को यूज करना टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज इसके अलावा मैप को यूज करके हम अपना नया एरे भी बना सकते हैं हम क्या करेंगे इस एरे की कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं तो जो भी वैल्यू मैप से रिटर्न होती है मैप के कॉल बैक से रिटर्न होती है वो नए एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाती है जैसे हम सिंपली अपनी वैल्यू को ही रिटर्न कर सकते हैं जो वैल्यू है हर एक इंडेक्स पे उसी को रिटर्न कर दिया सेव किया रिफ्रेश किया एज सच कुछ प्रिंट नहीं होगा पर ये क्या करेगा ये हमारे लिए वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसे हम एक न्यू एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं तो ये जो न्यू एरे वेरिएबल होगा नंबर्स डॉट मैप ने इसे एक वैल्यू रिटर्न की और फिर हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा सकते हैं अपने न्यू किया, एरे किया, तो तो किया, किया, के अंदर सारे, सारे के सारे नंबर्स का स्क्वायर आके स्टोर हो गया हमारे जो ओरिजिनल एरे था यानी नम्बर वो अभी भी सेम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ ये सिंपली न्यू एरे रिटर्न कर रहा है अगर हम चाहते हैं हर वैल्यू दो से मल्टीप्लाई हो जाए टू से मल्टीप्लाई हो जाए डबल हो जाए रिफ्रेश किया तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज डबल होकर प्रिंट हो गई तो इस तरीके से हम अपने मैप को यूज करते हैं एंड मैप इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे यूजिंग सम रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन ईच वैल्यू विच इज स्टोर्ड एट द इंडिविजुअल इंडेस ऑफ द एरे तो यहां पर जब भी आप मैप या फॉरिज के अंदर कन्फ्यूज हो यह याद रखना है फॉर इच यूज होता है जब हमें नॉर्मली कोई कैल्कुलेशन करनी हो नॉर्मली कुछ प्रिंट करवाना हो मैप यूज होता है जब हमें वैल्यूज को यूज करके कोई नया एरे क्रिएट करना हो तो यह हमारे यूज केसेस होते हैं ऑल्सो अगर कभी भी आपको फॉर इच का मान लो सिंटैक्स याद नहीं आ रहा मैप का सिंटैक्स याद नहीं आ रहा कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है हम मल्टीपल काफी टाइम से दूसरी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो हम भूल गए जाओ स्क्रिप्ट का सिंटैक्स

हमने एग्जाम्पल लिया लेट सपोज वी हैव एन एरे और हमें सारे के सारे इवन एलिमेंट्स वहां से फिल्टर करने हैं तुम क्या कर सकते हैं एरे डॉट फिल्टर और फिर अंदर हम अपना कॉल बैक डिफाइन कर सकते हैं कॉल बैक के अंदर रिटर्न वैल्यू में हम लिख सकते हैं जो भी वैल्यू टू से कम्पलीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर में जीरो दे देती है वो वैल्यूज क्या होती है वो वैल्यूज हमारी इवन वैल्यूज होती है तो ये क्या रिटर्न करेगा जिस भी वैल्यू के लिए जो कंडीशन है हम कोई कंडीशन लिख सकते हैं लास्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर जिस भी एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू दे देगी वो एलिमेंट नए एरे में जाके स्टोर हो जाएगा और जिसके लिए कंडीशन फॉल्स दे देगी या फिल्टर फॉल्स दे देगा वो नए एरे के अंदर जाके स्टोर नहीं होगा तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं लेट्स क्रिएट अ एरे या सिंपल एरे इसके अंदर हम कुछ नंबर जो है उनको स्टोर करा सकते हैं एंड फिर हम क्या करेंगे हम इनमें से फिल्टर करेंगे इवन नंबर्स को एरे डॉट फिल्टर मुझे इवन नंबर्स को फिल्टर करना है तो उसके लिए हम अपना कॉल बैक फंक्शन बना सकते हैं हर एक वैल्यू के लिए मैं रिटर्न कर सकती हूँ वैल्यू मॉड्यूलस टू ट्रिपल इक्वल टू जीरो जो भी वैल्यू है दो से डिवाइड होकर रिमाइंडर में जीरो दे रही है वही मेरी इवन वैल्यू है और इसे एक नए एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं वी कैन कॉल इट इवन एरे ये हमारा इवन एरे हो जाएगा और लास्ट में जाके हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने इवन एरे को सेव कर लिया रिफ्रेश किया सो दिस इज माय इवन एरे विच हैज टू फोर एंड सिक्स ओरिजिनल एरे से जो इवन वैल्यूज थी वो हमारे पास फिल्टर आउट होकर हो, हो गई अगर हमें ऑर्ड वैल्यूज चाहिए तो यहाँ हम नॉट इक्वल टू कर सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास एरे के अंदर सारी की सारी ऑड वैल्यूज आ जाएंगी इसी तरीके से इफ आई वाउंट मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो तीन से बड़ी हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं वैल्यू ग्रेटर देन थ्री पास क्या पास क्या होगा तीन से बड़ी वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी फिल्टर आउट होके तो जिन जिन वैल्यूज के लिए ये जो कंडीशन है ट्रू रिटर्न करेगी वो सारी वैल्यूज हमारे इस एरिया के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी सेव किया रिफ्रेश किया तीन से बड़े सारे के सारे नंबर सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हमारे नए एरे के अंदर तो ये जो नया एरे है दिस इज बेसिकली अ कॉपी ऑफ सम फिल्टर्ड आउट एलिमेंट्स हमारा जो ओरिजिनल एरे था उसके अंदर चेंज नहीं होता उसके अंदर तो वैल्यूज वैसे के वैसे ही रहती है एक नया एरे बनता है कुछ सेट ऑफ फिल्टर्ड आउट वैल्यूज के साथ एंड इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड द रिड्यूस मेथड रिड्यूस मेथड का काम होता है अगर आपके पास कोई एरे है तो उस एरिए के ऊपर कुछ 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 हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और लास्ट में उन ऑपरेशन को यूज करके हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए तो अगर कभी भी कोड करते हुए ऐसा कोई ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है मान लो एवरेज कैलकुलेट करनी हो गई या सम कैलकुलेट करना हो गया जिसमें इनपुट में तो बहुत सारी वैल्यूज जाएंगी जैसे सम कैलकुलेट करना है इनपुट में तो बहुत सारी वैल्यू है पर आउटपुट में क्या आएगा आउटपुट में तो एक ही वैल्यू आएगी क्या वैल्यू सम की वैल्यू सम तो की वैल्यू होती है वैसे अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो इनपुट में तो वैल्यू तो तो आएगा? आएगा। तो चाहिए तो वहां पे हम को कर सकते हैं। अब रिड्यूस मेथड का, का काम होता है टू परफॉर्म सम्यूसेज दू सिल वैल्यू एंड इट रिटर्न दैट सिंगल वैल्यू कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करेगा वही सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा अब ये रिड्यूस का एक एग्जाम्पल है एक डेमो एग्जाम्पल है जिसको मैंने लिया है फ्रॉम दी एम डी एन डॉक्यूमेंटेशन टू शो इट टू यू रिड्यूस को कैसे यूज़ करते हैं इसका बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है सम कैलकुलेट करना जैसे यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट एरे बनाया हुआ है वन टू थ्री फोर और इसके अंदर हमें सम कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया हमने लिख दिया एरे डॉट रिड्यूस और रिड्यूस के अंदर हमने एक एरो फंक्शन पास कर दिया एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं दो वेरिएबल्स लिखते हैं एक होता है हमारा एक्यूमलेटर वेरिएबल एक होता है हमारी करंट वैल्यू करंट वैल्यू इसको हम वैल्यू लिखते आ रहे हैं वो भी इसको हम कह सकते हैं इसे हम accumulator भी कह सकते हैं या इसे हम अपना रिजल्ट भी कह सकते हैं तो दो पैरामीटर्स जाते हैं हमारे कॉल बैक के अंदर एक रिजल्ट एंड एक हमारी वैल्यू और फिर इन दोनों के बेसिस पे कुछ काम होता है जैसे हम अपने एक्यूमलेटर और करंट वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसकी जगह हम अपने रिजल्ट और वैल्यू को भी ऐड कर सकते थे अब एक बार मैं सिंपल तरीके से इसका कोड आपको लिख के दिखाती हूँ एंड देन आई एल एक्सप्लेन टू यू वट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अपने एरे को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं चार एलिमेंट्स का आई कैन राइट एरे डॉट रिड्यूस और इसके अंदर हम एक कॉल बैक पास कर सकते हैं कॉल बैक के अंदर दो वैल्यूज होंगी ये दिखा भी रहा है एक होगी प्रीवियस वैल्यू एक होगी करंट वैल्यू इनको प्रीवियस एंड करंट भी बोल सकते हैं नहीं तो एज आई लाइक टू कॉल इट रिजल्ट एंड करंट और रिजल्ट एंड करंट क्या है मुझे रिजल्ट एंड करंट को एड करना है तो माय रिजल्ट एंड करंट शुड बी एडेड और इन दोनों को ऐड करके मैं रिटर्न करना चाहती हूँ ये रिटर्न करना चाहती हूँ तो बेसिकली यहां से क्या होने वाला है पहले तो जो भी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा कॉन्स्ट इसको हम कह देते हैं आउटपुट सिंगल वैल्यू होगी आउटपुट के अंदर इस आउटपुट को एक बार प्रिंट करवाते हैं सेफ रिफ्रेश आउटपुट प्रिंट होके आ क्या आया टेन आया टेन क्या है वन प्लस टू इज थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर इज टेन तो बेसिकली इस कोड ने मेरे लिए मेरा सम कैलकुलेट कर दिया अब हम इस कोड का मतलब समझने वाले हैं कि रिड्यूस ने एक्चुअली काम कैसे किया मैंने अगर लिखा एरे डॉट रिड्यूस और उसके अंदर मैंने कॉल बैक के अंदर आई हैव रिटर्न माई फंक्शन जिसके अंदर आई हैव वन रिजल्ट और मेरे पास है करंट फंक्शन और हर बार क्या कर रहा है फंक्शन हर बार फंक्शन रिटर्न कर रहा है रिजल्ट प्लस करंट ये जो रिजल्ट है इसको हम प्रीवियस भी कह सकते हैं इसको इनिशियल भी कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं तो अगर मेरे पास एरे है इफ आई हैव एन एरे तो एग्जैक्टली exactly होता क्या है सबसे पहले जो मेरा रिजल्ट है और जो मेरा करंट है ये जो दो वैल्यूज हैं ये शुरू होती हैं शुरुआत की दो वैल्यूज के साथ यानी अभी रिजल्ट के अंदर या इसको प्रीवियस इसीलिए नाम दिया होता प्रीवियस यानी पहले वाला यानी वन और करंट यानी अभी वाला यानी टू

वन की वैल्यू क्या हो जाएगी पुराना रिजल्ट प्लस करंट यानी थ्री वन प्लस टू थ्री आ जाएगा और अब करंट चला जाएगा पहले यहां था करंट अब मेरा करंट यहां से हटके करंट यहां आ जाएगा इस बार करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार करंट की वैल्यू हो जाएगी थ्री तो इस बार किसको प्लस करेंगे हम रिजल्ट के अंदर भी थ्री करंट के अंदर भी थ्री तो इस बार थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और सिक्स की वैल्यू दोबारा से रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी एंड फिर करंट को दोबारा अपडेट करके करंट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएंगे फोर पे तो इस बार करंट की क्या वैल्यू होगी करंट की वैल्यू होगी फोर रिजल्ट की वैल्यू क्या है रिजल्ट की वैल्यू है सिक्स तो सिक्स प्लस फोर आउटपुट में क्या देगा आउटपुट में मुझे देगा टेन तो ये दोनों कैलकुलेट होके टेन रिटर्न करेंगे और फाइनली अब और कुछ है नहीं करंट के पास आगे जाने के लिए तो ये जो वैल्यू है लास्ट वैल्यू जो रिटर्न होगी विच विल बी इक्वल टू टेन ये टेन वैल्यू जाके हम अपने इस आउटपुट के अंदर स्टोर करा देते हैं इसीलिए जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं हमारे पास प्रिंट होता है टेन आके तो इस तरीके से हमारा रिड्यूस मेथड वर्क करता है रिड्यूस मेथड में शुरुआत होती है दो एलिमेंट्स के साथ और हर बार जो हमारा रिजल्ट होता है वो अपडेट होता रहता है उसके अंदर टोटल रिजल्ट स्टोर होता रहता है और हम अपने करंट वेरिएबल के साथ कुछ भी ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं अब ये जो हमारा वेरिएबल है इसे वैसे तो हमने रिजल्ट बोला हुआ है हम चाहें तो इसे प्रीवियस भी लिख सकते हैं प्रीवियस लिख दिया कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट हमारा सेम रहेगा दैट इज इक्वल टू टेन अगर हमें कुछ और करना है लेट सपोज हमारे पास एक एरे है और इस एरे से हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे फाइव सिक्स टू वन थ्री बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास मुझे इसका लार्जेस्ट निकालना है तो लार्जेस्ट निकालने के लिए वी कैन डू डूस हमारे पास जो प्रीवियस करंट है हमेशा उनमें से बड़े वाला एलिमेंट रिटर्न कर दो जैसे लेट सपोज मेरे पास है वैल्यू फोर फाइव वन पहले मैंने क्या किया इन दोनों को लिया ये मेरा प्रीवियस है 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 ये मेरा करंट और में से कौन बड़ा है? बड़ा है। तो प्रीवियस और करंट में शुरुआत में फोर है, है मैंने क्या किया दोनों में से जो बड़ा है उसको प्रीवियस के अंदर स्टोर करा दिया तो दोनों में से बड़ा है फाइव अब प्रीवियस फाइव बन गया एंड इस बार करंट क्या बन गया इस बार करंट बन गया वन अब फाइव और वन में से कौन बड़ा है फाइव बड़ा है उसको दोबारा से प्रीवियस के अंदर स्टोर करा दो एंड नेक्स्ट करंट के पास कुछ होगा नहीं तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा फाइव आएगा तो लार्जेस्ट हम निकाल सकते हैं तो लार्जेस्ट नंबर किसी भी एरे से फाइंड आउट करने का क्या कोड होता है हम लिख सकते हैं एरे डॉट रिड्यूस प्रीवियस एंड करंट और हम रिटर्न कर देंगे जो बड़ा होगा तो अगर प्रीवियस करंट से बड़ा है क्वेश्चन मार्क तो प्रीवियस रिटर्न कर दो नहीं तो करंट को रिटर्न कर दो तो ये कोड हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अब रिफ्रेश किया तो सिक्स प्रिंट हुआ क्यों क्योंकि इस एरे के अंदर जो लार्जेस्ट तो नंबर है तो ये हमारा कोड होता है टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे कैसे कंडीशन के अंदर रिड्यूस में लिख दो वो कंडीशन जो हमेशा लार्जेस्ट को रिटर्न करे स्मॉलेस्ट को रिटर्न करना है कोई बात नहीं ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा दो सेफ रिफ्रेश इस बार वन प्रिंट होकर आएगा तो इस तरीके से जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिसके अंदर इनपुट तो बहुत सारे होते हैं पर आउटपुट में एक ही वैल्यू चाहिए वो वैल्यू सम हो सकती है वो वैल्यू एवरेज हो सकती है वो वैल्यू लार्जेस्ट हो सकती है वो वैल्यू स्मॉलेट हो सकती है इस तरीके के कामों के लिए हम अपने एरे डॉट रिड्यूस को यूज कर रहे होते हैं अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपने कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है वी आर गिवन एन एरे ऑफ ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स फिल्टर फिल्टर आउट आउट दिस शुड बी टी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स दैट स्कोर्ड 90 प्लस हमारे पास कोई भी रैंडम एरे है हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं 87, 93, uh, 64, 99, 86 फोर इस तरीके से हमें उन स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल्टर आउट करने हैं जिनके 90 प्लस हैं तो ये 93 90 प्लस है 99 90 प्लस है इनको हमें फिल्टर आउट करके एक नया एरे बनाना है तो एक बार इसे खुद ट्राई करना है उसके बाद सोल्यूशन को देखना है तो सबसे पहले तो अपने मार्क्स का हम एरे बना लेते हैं लेट marks is equal to 97, 64, 32, 49, 99, 96, 86. नाइन नाइनटी काफ़ी सारे मार्क्स हो गए अब कभी भी अगर हमें किसी भी कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर आउट करनी है वैल्यूज एरे में तो हमें पता है हमें अपने फिल्टर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा उसे यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं एरे का नाम marks फिर लिखेंगे डॉट फिल्टर एंड उसके बाद कॉल बैक के अंदर अपनी वैल्यूज ले, ले लेंगे वैल्यू पर हम कंडीशन लगा देंगे तो वैल्यू पे क्या कंडीशन लगेगी हमें चाहिए वो सारी वैल्यूज जो ग्रेटर देन है हमारे 90 इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है और इसी कंडीशन के बेसिस पे हम रिटर्न कर देंगे अपनी वैल्यूज को तो आप नोटिस करोगे फिल्टर के अंदर जो कॉल बैक होता है दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है इवेंचुअली ट्रू या फॉल्स या तो वैल्यू ग्रेटर देन नाइन्टी ट्रू दे देगा या ये फॉल्स दे देगा जिस भी वैल्यू के लिए ट्रू रिटर्न होगा वो वैल्यू नए एरिया के अंदर एड होती है तो यहाँ एक न्यू एरे हम क्रिएट कर लेते हैं या इसको हम अपना टॉपर्स का एरे कह देते हैं दिस इज माई टॉपर्स एरे एंड वी कैन प्रिंट द टॉपर्स एरे रिफ्रेश तो ये सारी सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे स्टोर होके आ गई सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टेक नंबर एन एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजर क्या करेगा प्रॉम्प्ट में हमें इनपुट के अंदर अपना नंबर दे देगा एन क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू एन अगर यूजर ने मुझे पांच दिया तो उसके बेसिस पे मुझे एक नया एरे बनाना है जिसके अंदर फाइव हो अगर उसने मुझे फोर दिया तो मुझे नया एरे बनाना है जिसके अंदर वन टू थ्री फोर हो तो इस तरीके से मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है सबसे पहले तो इतना ही काम कर लेते हैं लेट्स आस्क द यूजर फॉर अ नंबर एन वी कैन यूज अ प्रॉम्प्ट प्रोम के अंदर हम लिख सकते हैं एंटर अ नंबर तो उसे एन के अंदर स्टोर करा लेंगे और फिर हम एक एरे बना सकते हैं अब ये जो एरे है शुरुआत में वी कैन कीप इट एम इसके अंदर वन से लेके एन तक वैल्यूज को हमें स्टोर करना है तो एक तो है तरीका वैल्यूज को स्टोर करने का एरे ऑफ इज़ इक्वल टू वन इस तरीके से पर दूसरा तरीका होगा कि हम एक अच्छा सा लूप लगा लें उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करें तो हम एक लूप लगा सकते हैं लेट आई इक्वल जीरो आई लेस देन एन या वन से स्टार्ट कर लेते हैं इस लूप को आई इज इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस वन से लूप स्टार्ट हो रहा है एन तक जाएगा हर बार मुझे क्या करना है एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर आई को स्टोर कराना है पहले आई की वैल्यू वन होगी तो वन स्टोर होगा फिर टू होगी तो टू स्टोर होगा फिर थ्री होगी तो थ्री स्टोर होगा फिर फोर होगी तो फोर स्टोर होगा और इंडेक्स क्या होना चाहिए इंडेक्स होना चाहिए हर बार आई माइनस वन वन इंडेक्स पे स्टोर होगा टू फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा थ्री सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर होगा दिस विल बी ऑन इंडेक्स, इंडेक्स थर्ड पे स्टोर होगा, इस तरीके से तो हम अपना एरे बना लेंगे और एक बार हम इस एरे को प्रिंट करवा लेंगे सेव किया रिफ्रेश किया लेट सपोज हमने पास किया नंबर फाइव तो ये हमारे फाइव नंबर्स का एरे आ गया रिफ्रेश किया हमने पास किया टेन तो हमारे नंबर्स का एरिया पास किया सेवन तो ये हमारे यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट रिड्यूस मेथड को यूज करके सारे के सारे नंबर्स का हमें सम कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे एरे डॉट रिड्यूस रिड्यूस के अंदर कॉल बैक पास कर देंगे एक हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस कह सकते हैं इसको एक हो जाएगी करंट वैल्यू हम क्या करेंगे हर बार रिटर्न कर देंगे प्रीवियस प्लस करंट को इसको प्रीवियस की जगह सम है तो हम इसको आई लाइक टू कॉल इट रिजल्ट कॉल इट रिजल्ट प्लस करंट और लास्ट में हम जो हमारा फाइनल सम होगा वो हमें मिल जाएगा और इसे हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग सम सेव किया रिफ्रेश किया हमें शुरू के चार नंबर्स का सम चाहिए तो ये हमारा एरे होगा चार नंबर्स का सम टेन रिफ्रेश किया मुझे शुरू के दस नंबर्स का सम चाहिए ओके दस नंबर्स का सम इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव रिफ्रेश किया मुझे शुरू के बीस नंबर्स का सम चाहिए सो दिस इज माई एरे ऑफ ट्वेंटी नंबर्स एंड सम सारे के सारे ट्वेंटी नंबर्स का हो जाएगा टू तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट हमें कह रहे हैं यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे ये जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स मतलब अगर चार नंबर्स हैं तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर चाहिए मुझे 5 n. इसे हम कहेंगे फैक्टोरियल ऑफ फोर इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ फाइव तो वन से लेके जब एन तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस चीज को मैथ के अंदर फैक्टोरियल कहा जाता है हम लिखेंगे एरे डॉट रिड्यूस रिजल्ट एंड करंट और इस बार रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई करंट को रिटर्न कर देंगे और यह हमारे पास आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल एंड इसी को हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस वैल्यू सेव कर लिया रिफ्रेश किया लेट्स सपोज हमें शुरू के तीन नंबर्स का फैक्टोरियल चाहिए फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स यानी वन इंटू टू टू हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा शुरू के चार नंबर्स का चाहिए दैट विल इक्वल टू ट्वेंटी फोर वन इंटू टू टू हो गया टू इंटू थ्री हमारे पास सिक्स हो गया सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर हो गया फाइव का आई थिंक इट्स वन ट्वेंटी रिफ्रेश किया वी हैव वन ट्वेंटी वन इंटू टू टू हो गया टू इंटू थ्री सिक्स हो गया सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर हो गया ट्वेंटी फोर इंटू फाइव वन ट्वेंटी हो गया इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीज याद रखनी है कि सम करना सम करने में हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं पर मल्टीप्लीकेशन करने में नंबर्स बहुत जल्दी साइज में इंक्रीज होते हैं इसलिए बड़े नंबर्स का सम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना जैसे एफ आई राइट की मुझे तो हंड्रेड का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो ये क्या आ गया ये ऐसी वैल्यू आएगी जो हम समझ नहीं पा रहे तो बेसिकली बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा सम कैलकुलेट हो जाएगा सम में प्रॉब्लम नहीं है पर नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा फैक्टोरियल के लिए तो इसीलिए फैक्टोरियल के लिए 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं आप नोटिस कर सकते हो टेन का फैक्टोरियल ही बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो टेन से छोटी छोटी वैल्यूज ही देनी है जैसे सेवन का आप कैलकुलेट कर सकते हो इट विल बी फाइव तो इस तरीके से हम अपने मेथड्स को यूज कर सकते हैं और अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग फंक्शन को बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीज जो भी काम आपके दिमाग में आए उसको यूज करो उसको एक फंक्शन बना दो ताकि वो रीयूजल कोड हो जाए रीयूजल यानी उसे बार 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 हम इन्वोव कर सकते हैं जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े तो आई होप कि हमारा फंक्शन वाला मेथड वाला चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आया होगा एंड वी हैव डेफिनेटली लर्न अ लॉर्ड ऑफ न्यू थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट जिनको हम यूज कर रहे होंगे प्रैक्टिकली बाद में जाके आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑल्सो नीचे कॉमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जिससे आपको लगता है कि आपने सबसे ज्यादा चीजें जो है वो सीखी तो वो सारी चीजें आप मुझे लिख के नीचे बता सकते हो दैट विल हेल्प मी टू इंप्रूव माई लेक्चर्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग